तिलका मांझी से कचहरी चौक तक अवैध बने दुकानों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। भागलपुर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत भागलपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा तिलका मांझी से कचहरी चौक होते हुए घंटाघर चौक तक सड़क के किनारे अवैध रूप से बने दुकानों को हटाया गया। शहर में लगे बैनर और होर्डिंग को भी हटाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एसडीओ धनंजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध रूप से चला रहे दुकानदार से फाइन काटने की अपील की। अतिक्रमण दस्ता को देखते ही तिलका मांझी से घंटाघर चौक तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी दुकानों को हटाते नजर आए। देखिए, ये तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीक दो तीन जगह मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह दो तीन जगह हम लोग चिन्हित करके इस पर करवा रहे हैं। देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी फुटकर वगैरह हैं, तो आप लोग को जानकारी है कि सैंडिस के चारों तरफ कमिश्नर सर के आदेश से जो मनाली चौक से लेके जो तिलका मांझी चौक में जो क्लीवलैंड है वहाँ तक वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। तो उन लोग को बार बार यही निर्देश दिया गया है कि दीवाल से सट कर, जो सैंडिस का दीवाल है उससे सटकर सामान बेचें। इससे क्या होता है कि परिचालन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है और फुटकरों को भी अपना सामान बेचने का स्थान मिल जाता है। परंतु उसके बावजूद भी वो लोग बार बार एक तो रोड साइड आ जाते हैं, जिससे आप लोग भी देखे होंगे कि विगत दो महीनों में उस रोड पे, जिस रोड में कभी ट्रैफिक नहीं होती थी, उसमें ट्रैफिक की समस्या बड़ी है। साथ ही साथ जो हमारा इधर सर्किट हाउस से लेके जो कलेक्टेरिएट तक का है, इसको नो वेंडिंग जोन भी घोषित किया गया है। तो इधर किन्हीं के भी द्वारा परमानेंट तौर पर स्टॉल नहीं लगाया जाना है। यहाँ पर जो ठेला वगैरह जो सामने खाने पीने का लगाते भी हैं, तो उनसे भी यही रहता है कि आप लोग दीवार सटा के लगाएं और जब कार्य हो जाता है तो आसपास के परिसर की सफाई उनकी जिम्मेदारी है, वो करते हुए वो सारा सामान वहाँ से ले जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के द्वारा परमानेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग उसी को फाइन भी कर रहे हैं और हटवा भी रहे हैं, और इसके बाद भी आवश्यकता होगी तो हम लोग अतिक्रमण शाखा प्रभारी से इस पर FIR भी दर्ज करवाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं कि एक दिन पहले बोला जाए कि हम लोग को हटा दिया जाए, तो हम लोग क्लियर कर देंगे। एक भी घास नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अटैक कीजिएगा, गलत बात है। तो आप लोगों को पहले सूचना? नहीं, सूचना नहीं दिया गया। जब भी सूचना देता हम लोग हटा दिया जाता है। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग गए थे बाहर, गए थे थोड़ा, अभी आए थे डायरेक्ट सब माल उठा लिया। क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि पूरा फाइन दो 5,000 रुपये, नहीं तो सब माल लेके जाएंगे। 5,000 कितने दिन में कमा लोगे? 5,000 कम से कम 2 महीने लगेगा कमाने के। अब कैसे चलेगा? अब नहीं चलाएंगे, जो करें दूसरा नौकरी करेंगे, जो कुछ करेंगे छोड़ेंगे इसको। परेशानी बढ़ गई, कोई रोजगार नहीं है। बिना सूचना का परिवार कैसे चलेगा? परिवार रोड पे आएगा और क्या करेंगे, एक तो रोड पे ही और रोड पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ से? भागलपुर कोढ़ा। फाइन 5,000 मांग रहा है सर ये लोग। तो कैसे दीजिएगा? 500 हम लोग दे रहे हैं सर। अब लोग अभी सर दुकानें लगाए हैं हम लोग जस्ट सर। तो दिक्कत हो गई जी सर, अब सब माल उठा भी लिया सर। कितने का अभी माल उठाया है? वो माल तो सर 10-15 हज़ार का उठा लिया सर। 10-15 हज़ार जी सर। अब ऊपर से फाइन भी ले रहा है सर। अब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा अब? क्या करेंगे सर? दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो गया सर, अब क्या करना है? बाल बच्चा परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सर? क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद मंडल। हम तवलपुर से।